आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिष्ठित चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईएमए के चिकित्सकों ने मुख्य पदों पर नामांकन किया। 14 मार्च तक नामांकन चेक किए जाएंगे और 18 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद चुनाव जोर पकड़ेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिष्ठित चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईएमए के चिकित्सकों ने मुख्य पदों पर नामांकन किया। 14 मार्च तक नामांकन चेक किए जाएंगे और 18 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उसके बाद चुनाव जोर पकड़ेगा। चुनाव में प्रत्याशी अपना अपना प्रचार करेंगे। ये रोमांचक दौर में पहुँच गया थोड़ा सा चुनाव, इसलिए पहुँच गया है कि अब जो नई आने वाली जनरेशन है उनका भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आईएमए की तरफ, और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ऐसा माहौल बने कि डॉक्टरों को कोई बगैर किसी बात के न छुए न कुछ कहे। हाँ, जहाँ उनकी गलती है वो बताए, वो उसको स्वीकार करेंगे, उसको सुधार करेंगे। लेकिन जो आज का पढ़ा लिखा समाज है, हम लोग जैसे हाई प्रोफेशनल्स में आते हैं तो ये जो झगड़े होते हैं अस्पताल के अंदर, मारपीट होती है, उदम होते हैं, इन सबको एक तरह से वो नकारते हैं और कहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और अगर ये होंगी तो हम लोग काम करने में उतना अपना पूरा ध्यान से मन से नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए, तो इसके वो बहुत खिलाफ है। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुकेश गोयल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीआर रावत और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी यादव ने पर्चा भरा है। सचिव पद के लिए ईएनटी सर्जन डॉक्टर एलके गुप्ता ने नामांकन किया है। चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हो जाना चाहिए, इसमें कोई चुनाव जैसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए कि नॉमिनेट होने चाहिए एक तरह से लोग, और नॉमिनेट भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनका आईएमए के लिए समर्पित हों, कुछ न कुछ करना चाहें, और जिनका आईएमए के संविधान की, आईएमए के लोगों की क्या होती है वो सारी जानकारी होनी चाहिए। तो हम सब तो इसी पेवर में रहते हैं कि नॉमिनेट हों, और प्रयास फिर से करेंगे। अभी भी कोई बात नहीं, नाम फाइनल होंगे फिर हम प्रयास करेंगे कि उचित ही लोग रह जाएँ, बाकी लोग बैठें। 18 तक नाम वापसी है, हाँ, तो 14 से 18 के बीच में वही हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी मैक्सिमम लोग बैठ जाएं, और चुनाव नहीं है तो बहुत अच्छा, एक सशस्त्र टीम निकल के आती है। जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र चौधरी ने पर्चा भरा है। उपाध्यक्ष पद के लिए अभी तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। मतदान की प्रक्रिया 25 मार्च को आईएमए भवन तोता का ताल पर होगी और 25 मार्च को ही देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।